जोड़ी कौन बनाता है? जोड़ी कौन बनाता है? ऊपर वाला ईश्वर बनाता है, और तोड़ भी तोड़ा भी ईश्वर नहीं है, तो अब जो करवाएगा वो ईश्वर करवा देगा और वैसे से चलते जाऊंगा। काम का जहां तक का सवाल रहा है कि देखो मैं क्या बोलूं और क्या नहीं करूं, ये तो खैर मेरे को इस सब चीजों में पढ़ना नहीं है। रिजल्ट ऐसी एक ऐसी चीज है कि जब रिजल्ट बाहर आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, यू नो। एंड बस यही बोलूंगा, मगर हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी भर तक के मैं म्यूजिक बनाता रहूंगा और वाजिद मेरे साथ में रहेगा, हमेशा रहेगा। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं। फिर चाहे वो जोड़ी एक प्रेमी प्रेमिका की हो, पति पत्नी की हो, या दो भाइयों की। बॉलीवुड को साजिद वाजिद की जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए, साजिद खान और वाजिद खान दोनों ही अपने फन में धुरंधर। एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए दोनों भाई सफल हुए, लेकिन 1 जून को वाजिद खान के निधन के बाद साजिद खान को जैसे दोहरा झटका लगा। उन्होंने ना सिर्फ अपना भाई खोया बल्कि जिंदगी भर का एक जोड़ीदार भी। नवभारत टाइम्स एक्सक्लूसिव बातचीत में साजिद कहते हैं कि वाजिद भाई के जाने का दुख मेरे दिल में रहने दे, मैं इसे शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। हमें अंत तक लगा था कि वाजिद भाई ठीक होकर घर लौट आएंगे, लेकिन ऊपर वाले ने ही हमारी जोड़ी बनाई थी और उसी ने तोड़ दी। साजिद खान ये वादा करते हैं कि वो जिंदगी भर संगीत बनाते रहेंगे और उनके संगीत में वाजिद खान हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। आप लोग साथ में संगीत की शिक्षा ली, संगीत में आपने एक साथ काम शुरू किया, यू नो, और उसके बाद जब ये जोड़ी टूट जाती है तो यू नो इसको आप कैसे डील कर रहे हैं, वो आपका वो है, हम इस दुख को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन आपका दुख जिस लेवल पे है वो आप उसको डील कर रहे हैं, कैसे निकल पा रहे हैं इस कठिन समय में? इस कठिन समय में मैं मास्क लगाता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ और गाड़ी को लॉक करता हूँ और फिर निकलता हूँ। कठिन समय तो है, मगर वो तो ये तो है, वो तो क्या बोलूँ मैं उसके बारे में आपको, ये मेरी जिंदगी के साथ जुड़ गया है और वो जिंदगी तक चलता रहेगा। अभी मैं घड़ी घड़ी आप लोगों को इसको बातों में कैसे बयां करूँ जो मेरे दिल में चल रहा है, तो उसको अब मेरे दिल में ही रहने दो, जाने दो। और बताओ, मैं आपको ऐसे पीछे ले नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप लोग जो अंतिम बातचीत कर रहे थे भाई के साथ, यदि आप साझा करना चाहें किस तरह की बातचीत थी, यू नो आपकी फैमिली को बहुत प्यार मिला इस समय, हम देख रहे थे कि सब आपके साथ खड़े हैं, लॉकडाउन का टाइम है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत ज्यादा लोग वहां भी पहुंचे थे, मैं भी आया था वहां पर, तो सब लोग पहुंच गए थे, प्यार मिल रहा था, तो यू नो अंतिम समय की क्या बातचीत हो रही थी आपसे, क्या उनको पहले से एक आभास हो गया था कि ये अब बहुत मुश्किल समय आ गया है? नहीं, हमें किसी को कभी उम्मीद नहीं थी, कि हमें एंड तक की यही उम्मीद थी कि वो निकल आएगा, he will fight, वो निकल आएगा, निकल आएगा। बट मेरे ख्याल से जो आखिरी के जो दिन हुए वो थोड़े से सैड हो गए, और ये भी कोरोना एक ऐसी चीज निकली है कि किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, किसी को बोल भी नहीं सकते, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो वी डिडंट नो व्हाट टू डू, वी थॉट अब बुलाएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस उसमें वो पकड़ा गया, ऊपर वाले को मंजूर था शायद, वो एक रास्ता बनाना था वो रास्ता, मगर हाँ वो भी लड़ा, हम पूरी फैमिली लड़ी है, बहुत सारे उसके चाहने वाले, उसके यार दोस्त, सब लोगों ने दुआएं बहुत मांगी, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, मुझे वक्त नहीं मिला कि आप लोगों का शुक्रिया कैसे करूँ, सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू। मुझे पता है कब्रिस्तान में भी जबकि किसी को बुलाना था मैंने आने के लिए, बट देन लॉट ऑफ पीपल टर्नड आउट, पुलिस बुलानी पड़ गई एंड ऑल दैट थिंग, एंड मुझे डर भी लग रहा था कि कोरोना का वक्त है, मैं किसी की औलाद को और किसी के भाई बहन को अपने पास इस वक्त बुलाना नहीं चाहता हूँ, आई विल हैंडल एवरीथिंग, बट या जो था वैसा। अब जोड़ी जब एक टूट जाती है और काम कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, और यही वजह है कि ये गाना भी आज हम रिलीज कर रहे हैं, तो अब काम को लेकर किस तरीके से आप यू नो जब आप काम करने बैठते होंगे
तो एक मिसिंग वो होता है, काम कैसे कर पा रहे हैं आप? जोड़ी कौन बनाता है? जोड़ी कौन बनाता है? ऊपर वाला ईश्वर बनाता है, और तोड़ भी तोड़ा भी ईश्वर नहीं है, तो अब जो करवाएगा वो ईश्वर करवा देगा और पैसे से चलते जाऊंगा। काम का जहां तक का सवाल रहा है कि देखो मैं क्या बोलूं और क्या नहीं करूं, ये तो खैर मेरे को इस सब चीजों में पढ़ना नहीं है। रिजल्ट ऐसी एक ऐसी चीज है कि जब रिजल्ट बाहर आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, यू नो, एंड बस यही बोलूंगा। मगर हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी भर तक के मैं म्यूजिक बनाता रहूंगा और वाजिद मेरे साथ में रहेगा, हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी दिन जाएगा जिस दिन मैं उससे मिलने चला जाऊंगा।